नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 30 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से कुंभ राशि वाले जातकों को मंजिल मिलने वाली है। कुंभ राशि के लोगों के जीवन में वर्षों के बाद बहुत ही बड़े दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने वाला है और कुंभ राशि के लोगों के जीवन में मंजिल की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। आप लोगों के जीवन में बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति होंगे। भगवान गणेश जी की कृपा से धन संपत्ता में वृद्धि होंगे। आप लोगों के रुपये पैसे में बढ़ोतरी होंगे। घर की आर्थिक स्थितियाँ, घर परिवार में चल रही पारिवारिक क्लेशों से भी आप लोगों को छुटकारा मिल जाएंगे। आप लोगों को जीवन में बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी कामयाबी की प्राप्ति भी होंगे, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, समझकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और सारी के सारे दुखों तकलीफों को भी दूर कर सकोगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में दुख तकलीफों और समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको कहीं से धन लाभ की प्राप्ति हो सकते हैं। आपको जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। अलग अलग क्षेत्रों से काफी नई और काफी खास जानकारी भी आपको हासिल हो सकते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपकी किस्मत का साथ भी प्राप्त होने वाला है। आप लोगों को महादेव जी की कृपा से बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। आपके जीवन का हर दुख दर्द और परेशानी का अंत होंगे। आप लोगों की कुंडली में बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आपके घर परिवार में धन की वर्षा होगी। व्यापार व्यवसाय में विस्तार हो सकता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में लाभ की प्राप्ति करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको जीवन में अनोखे परिवर्तन करने के मौके मिल सकते हैं। जुआ सट्टाबाजी में आपको लाभ मिल सकता है। आप लोगों को पहले दिनों की अपेक्षा काफी अच्छे होंगे। आपको कार्यस्थल में बड़े अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल सकता है। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। आप अपने आप को मानसिक रूप से शांत भी महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन में जल्द ही पैसों की बारिश होंगी। आपका रुका वधन भी आपको जल्द ही वापस मिल सकता है। आप थोड़ा सा धन लगाने के बाद अगर आप अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं तो आपको अपने व्यापार में ढेर सारा लाभ मिल सकता है। आपको जीवन में आपके ग्रह गोचर की स्थितियां काफी अच्छी दिख सकती है। आपके घर में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकते हैं। आपके जीवन में कहीं भी किसी भी पल धन की प्राप्ति होगी। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होंगे। आपके सूचे कार्य भी पूरे होंगे। आपको बहुत ही जल्द बड़ी कामयाबी मिल सकती है। समाज में आप अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम होंगे तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगी। आपको जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होंगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सोचे हुए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी की संभावना बन सकते हैं। आपको राजनीतिक के नए अवसरों की प्राप्ति होंगी। कानूनी मामलों को निपटाने में आप सफल होंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास का स्तर भी काफी बढ़ जाएगा। आपको अपने ईर्ष्या और क्रोध भाव पर नियंत्रण रखने होंगे। आपको कई मामलों में प्रगति का मौका मिल सकता है। उन्नति की वजह से तेज गति के कारण आप अपने अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में अपार सफलताएं मिल सकती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको नई सफलताएं मिल सकती हैं। गलतफहमी और लगातार असहमति पारिवारिक माहौल को निराशाजनक बना सकते हैं। जो लोग सोशल साइट पर काम करते हैं उन लोगों के जान पहचान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। आपको पहले से बनाई गई योजनाओं को पूरा करने के मौके मिल सकते हैं। आपके जीवन में आपको पिता के साथ संबंधों को बेहतरीन करने के मौके मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपको सब्र और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। ऑफिस में प्रमोशन के लिए आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय आपको बहुत ही सोच समझ कर अपनी वाणी का प्रयोग करने होंगे। आपको जीवन में कोई भी गलत फहमियों को लाने से बचने का प्रयास करने होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी के मामले में विजय की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रह सकता है। आपको साहस और धैर्य से काम लेने के मौके मिल सकते हैं। आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करने से पहले आपको प्रगति करनी होगी। आपको व्यापार व्यवसाय में कई प्रकार के उतार चढ़ाव को देखने को मिल सकता है, परंतु आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए सब समय शुभ रह सकता है। आपको विवाह योग्य जातकों को विवाह
सेवा के मौके मिल सकते हैं। अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना होगी। माता पिता के साथ आपके संबंध में सुधार होंगे और धन की प्राप्ति होगी। साथ ही पारिवारिक जरूरतों के लिए आपको खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में विजय की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता भी शीघ्र से पहुंचा सकते हैं। आपको भूमि खरीदने का योग मिल सकता है। आपका मन आनंदित रह सकता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। कार्यों में मिली सफलता के कारण आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां काफी अच्छी होंगी और विद्यार्थियों के लिए समय बेहद फलदायी रह सकता है। आपको पैसों से जुड़े कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं और कुछ बड़े रुके हुए कार्य को आप सही समय पर कर सकते हैं तथा आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी और अचानक से आपके कुछ बड़े कार्य भी रुके कार्य भी सही समय पर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप जो भी अपने कार्य को हाथों में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप लोगों से अपने कार्य निकलवाने में सफल होंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होंगे। वर्षों से रुके हुए काम आसानी से होंगे। विदेशों से कोई सुसमाचार मिल सकता है। दोस्तों की पूरी सहायता मिल सकती है। पिता के सहयोग से आप अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धन से संबंधित मामले में सफलता मिल सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को मुनाफा हो सकता है। आप बिजनेस के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में धन लाभ का योग बेहद प्रबल है। भगवान शनिदेव का साथ भी प्राप्त होगा, इसलिए लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। परिवार का साथ मिलेंगे जिनसे आपकी मानसिक उलझने कम होंगी। आप में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ सकता है जिनसे आप अपने कार्य को सही ढंग से पूरा करने में सक्षम होंगे। पैसों से संबंधित व्यापार में सफलता मिल सकती है। आपका रुका वधन भी वापस मिल सकता है, लेकिन कहीं भी पैसा लगाने से पहले उस पर विचार विमर्श जरूर कर लें तथा आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात होंगी। आप कुछ नए दोस्त बना सकते हैं। आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान सतर्क होकर रहने की जरूरत रहेगी तथा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों की गरीबी समाप्त हो चुके हैं और अब आप लोग आखिरी इन 3 महीनों में करोड़पति बनने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की परेशानियां और बुरी शक्तियां खत्म होंगी। सुबह उठकर सबसे पहले माता लक्ष्मी की आराधना करके शुरू किया गया कार्य सफल होंगे और कहीं पर यात्राओं को करने जाने का योजना बना सकते हैं। अपनों के साथ आप कुछ बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना कभी नहीं की थी। लंबे समय से चली आ रही आपकी कुछ बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है और अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा से संपत्ति से संबंधित जो भी मामले उलझ रहे थे उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है और आप अपने जीवन साथी से अच्छे रिश्तों को जोड़ सकोगे। आप अपने रिश्तों को बेहतरीन बना सकोगे तथा आप लोगों के द्वारा बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप अपने करियर में तरक्की हासिल कर सकते हैं। आपके घर परिवार में खुशियां हासिल होंगी और आप लोगों का समय माता लक्ष्मी की कृपा से बेहद शुभ काफी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन के समस्याएं संकट और आर्थिक तंगियों से भी आप लोगों को छुटकारा प्राप्त होंगी।